मैं सभी कार्यकर्ता नेताओं और जिन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, मैं उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन आपसे जब ये पूछा भी जाएगा और पूछा भी जा रहा है कि क्या चुनाव 2022 कैसा होने जा रहा है, किसके साथ आप होंगे, तमाम चीज़ें, उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। बदलाव इसलिए चाहती है कि उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम जिनको दिया था बहुमत से, उन्होंने उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश का विकास रोक दिया है। सर ये बताइए कि ये जो आपकी पार्टी है, क्या चुनाव में बिल्कुल अकेले जाएगी, आप पहले भी कहते रहे हैं, या बड़े दल जैसे कांग्रेस के साथ गठबंधन था, कुछ हो सकता है क्या, किसी गठबंधन की कोई गुंजाइश दिखती है आप? समाजवादी पार्टी ने ये फैसला लिया है, तय किया है, हमारे नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि छोटे दलों से अगर गठबंधन होता है तो करेंगे, साथ चलेंगे। बड़े दलों से अनुभव समाजवादी पार्टी का ठीक नहीं रहा। चाचा के साथ, उनके साथ कोई गठबंधन? मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं कि जितने भी दल हैं, चाचा का भी दल है, उनके को भी साथ लेने का काम और उनकी सीट को छोड़ने का काम समझ हैं। वो ये बताएं कि जब जनता ने उन्हें सरकार में भेजा था, वो संकल्प पत्र का क्या हुआ, क्या वो उन्होंने कूड़ेदान में डाल दिया? अभी पंचायत के चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रशासनिक और पूरा हस्तक्षेप करके चुनाव को, परिणाम को प्रभावित करने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई। अब केवल अपना दबदबा बनाने के लिए डीएम और एसपी को फुली छूट दे दी है कि चुनाव को उनके पक्ष में बना दें, कर दें उनको। अभी भी आपको लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं दबाव बना रही है अधिकारियों के थ्रू, इसको पूरा सरकार ने लगातार खुली छूट दी है और पैसे की ताकत पर, प्रशासनिक ताकत से चुनाव में हेरा फेरा।